जो HCS का पेपर आज हुआ है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी हम फर्स्ट 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उनके आंसर्स। तो ये सेट ए के हिसाब से है, इसकी आप आंसर डिटेल आंसर शीट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हो डिफरेंट सेट्स के लिए। तो वन का बी हो गया, सेकंड का जो आंसर है वो सी है, थर्ड का जो आंसर है जो सैटेलाइट वाला क्वेश्चन है उसका आंसर है ए, फोर्थ का जो आंसर है वो है डी, ठीक है, जो इसका इसमें जो है 100 टाइम्स नहीं होता, 550 टाइम्स होता है, इसलिए इसका डी आंसर है। फिफ्थ का जो आंसर है ए, ट्रांसपेरेंट सूप्स वाले का आंसर, सूप चिप्स, ये स्टेटमेंट गलत है। सिक्स्थ का जो आंसर है वो है बी, ठीक है। सेवन्थ का जो आंसर है, सेवन्थ का आंसर है ए, ओनली 123, ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये आपका हो गया, सीसा और सीसा की जो है बाउंड्री नहीं लगती आपस में। एट्थ का जो आंसर है वो है बी, ये भी मैचिंग द प्लांट्स है। तो इस बार का पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा आया है, बेसिकली जनरल साइंस के जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी अच्छे देखे, और हरियाणा जी की का वेटेज काफ़ी बढ़ गया है, पहले हरियाणा जी की बहुत कम आती थी, अब काफ़ी अच्छा हरियाणा जी के क्वेश्चन आए हैं। तो अब हम आंसर की डिस्कस करें, डिटेल डिस्कशन हम बहुत ही जल्द करेंगे। नाइन्थ का डी, इसमें सिर्फ आंसर्स बता रहे हैं आपको। टेंथ का बी, इलेवेंथ का सी जो इसका आंसर है, ये भी हरियाणा जी के नाली किसको कहते हैं, वो जो है फ्लड प्लेन्स ऑफ घग्गर को कहते हैं, ठीक है, इसमें काफ़ी खड्डे हो जाते हैं जहाँ जहाँ से घग्गर मानी जाती है बहती थी, तो खद्दर बांगर, ये न्यू वी प्लेन्स और ओल्ड प्लेन्स ऐसे कहते हैं इनको। तो इलेवेंथ का सी आंसर हो गया, ट्वेल्थ का आंसर बी हो गया, ठीक है। अब ये बिल्ट बाय नवाई फदाई खान ने बिल्ट नहीं किया था, यह जो है पहले बिल्ट हुआ था, ये आपको ध्यान रखने चाहिए। तो इसका आंसर बी हो गया, 13th का बी हो गया, 14th का सी हो गया, 15th का सी हो गया, 16th का बी हो गया। अब इसमें भी ये है कि जो ये 500 ये क्वेश्चन डाउटफुल रहेगा, क्योंकि इसमें ये वाली मेंशन कहीं भी नहीं है, और ये जो अमाउंट है ये भी ऐसा नहीं है कि 50 to 500 है, अमाउंट में फ़र्क है इसमें ना, ये जो अमाउंट है ये सेम अमाउंट नहीं है, इसमें अमाउंट में फ़र्क है, इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। आपको मैं अमाउंट भी बता देता हूँ इसमें एग्जैक्टली कितनी अमाउंट है, इसमें एग्जैक्टली अमाउंट है 110 से लेकर 400 तक अमाउंट है, तो वो फ़र्क है, ठीक है, अमाउंट एग्जैक्टली ये नहीं है, तो इसका चीज़ का ध्यान रखना है आपने। तो ये भी क्वेश्चन चैलेंज होगा, पर अभी बेस्ट आंसर जो है इसका यही बनता है 16th का। नेक्स्ट हम करते हैं 17th क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन का आंसर, 17th का आंसर सी है, 17th का सी, 18th का डी, 18th का डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, 19th का सी, 20th का जो है वो डी आंसर हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं 21st क्वेश्चन, 21st क्वेश्चन का आंसर सी हो गया, ठीक है, 5 years नहीं है, 4 years हैं इसका। 22nd क्वेश्चन देखते हैं, 22nd क्वेश्चन का आंसर सी हो गया, ठीक है, ये दोनों गलत है, स्टेटमेंट्स में ध्यान रखना है, नॉट ट्रू, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट का बहुत ध्यान रखना है, करेक्ट नॉट करेक्ट का। 23rd का जो डी हो गया, 24th का भी आंसर डी हो गया। अब हम बात करते हैं 25th क्वेश्चन की, ये 2022 में लॉन्च हुआ था और ये फास्ट एंड सिक्योर्ड है ट्रांसमिशन, तो इसका आंसर जो है वो डी हो गया 25th का, डिटेल में भी हम डिस्कस करेंगे इसको भी। 26th का आंसर भी डी हो गया, ठीक है, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था, तो इसका आंसर जो है डी है, आपने ध्यान रखना है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। 27th का आंसर, 27th क्वेश्चन का आंसर डी हो गया, 28th क्वेश्चन का आंसर डी हो गया, 28th क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी है, 29th क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए है, 30th क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी है, 30th क्वेश्चन का आंसर जो है वो डी है, 31st क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट करते हैं हम, 31st क्वेश्चन का आंसर जो है वो सी है, 32nd क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए है, 33rd क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी है, 34th क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी है, 35th क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी है, 36th क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए है, 36th क्वेश्चन का आंसर ए हो गया, 37th क्वेश्चन का आंसर जो है वो डी है, 38th क्वेश्चन का आंसर वो डी है, 39th क्वेश्चन में जो बेसिकली इसमें देखो क्लियरली डिवाइडेड लिखा है, क्लियरली डिवाइडेड कहीं मेंशन नहीं है कि क्लियरली डिवाइडेड, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि DPSP जो है क्लियरली डिवाइडेड है, वो जैसे लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है, बट वो एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं नहीं लिखा कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स के अंडर हेडिंग बनी हो, ठीक है, तो इस कारण ये थोड़ा सा
डाउटफुल क्वेश्चन है, पर इसका आंसर क्लियरली डिवाइडेड लिखा हुआ है ना, क्लियरली डिवाइडेड, ऐसे कहीं क्लियरली डिवाइडेड नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, ये भी इनकरेक्ट हो गया, तो इसका आंसर सी होना चाहिए, 39 का सी होना चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं, 40th का ए हो गया, 41 का ए हो गया, 42nd में, 42nd का क्वेश्चन, ये सारे फैक्चुअल क्वेश्चन थे, 42nd का सी हो गया, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मान सकते हैं हम। 43rd का, 43rd का भी हम डी मानेंगे, इसमें देखो आपसे पूछा इनकरेक्ट, तो 1928 में आया था ना कि 1930 में, और ऐसे थोड़ी है कि कैन नॉट, यहाँ जैसे कैन कि गवर्नमेंट अलाउ, जो ये बिल ऑफ राइट्स है इसमें अलाउ किया जाता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अलाउ किया जाता है कि लगा सकते हैं, ऐसा नहीं था कि नहीं लगा सकते। तो 43 का डी हो गया, 44th का जो है ए हो गया, 45th का बी हो गया, ठीक है, 45th का बी हो गया, 46th का सी हो गया, 47th का, 47th का जो है 47th का सी हो गया, तो 48th का क्वेश्चन का आंसर बी हो गया, सिंपल क्वेश्चन था। 49th का क्वेश्चन का आंसर ए हो गया। अब इसमें भी ये चीज़ है कि इंडियन पार्लियामेंट की पावर टू अमेंड द होल कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर, पर बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं डिफाइंड नहीं है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहीं डिफाइन नहीं किया बेसिक स्ट्रक्चर, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से थ्रू ही हमें पता लगता है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो अमेंड तो कर सकती है, उसको बाद में इनवैलिडेट करार कर दिया गया जाए वो सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है। जैसे कि जम्मू कश्मीर का जो लोग कहे थे कि जम्मू कश्मीर का बिल है उसको नहीं कर सकते थे, पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किया उसको वो सुप्रीम कोर्ट में चाहेगा केस, वो सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है कि उसको अपने बेसिक स्ट्रक्चर में लेके आना है या नहीं लेके आना, तो इस चीज़ को आपने समझना है। तो 50th का जो सी आंसर है, तो नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इसके बाद हम एक एक क्वेश्चन की डिटेल में भी डिस्कशन करेंगे। होप आपको मज़ा आया होगा पेपर देके, बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा पेपर था इस बार, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे, और आप कमेंट सेक्शन में बताएं आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं इस 50 क्वेश्चंस के हिसाब से, बाकी हम 50 क्वेश्चंस और लेके आएंगे, फिर आप टोटल मार्क्स लगाएंगे, फिर आपकी कट ऑफ हम देख सकते हैं कितनी कट ऑफ हमारी जो है इसकी जाएगी, फिर हम प्रेडिक्ट करेंगे कितनी कट ऑफ जाएगी। पर इस बार जो है स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा रहा, पिछली बार से भी अच्छा स्टैंडर्ड पेपर का रहा, काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन थे, साइंस एंड टेक के क्वेश्चन भी काफ़ी टफ थे, ठीक है, और हरियाणा जी के क्वेश्चन पहले इतने नहीं आते थे, इस बार काफ़ी हरियाणा जी के क्वेश्चन भी आए हैं, तो डिटेल कितने क्वेश्चन कितने सब्जेक्ट्स के आए हैं वो भी हम जल्दी ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।